कि कांग्रेस किसी भी ऐसे किसी व्यक्ति का भी बयान हो जो जम्मू कश्मीर को लेकर के या दूसरे जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, संवेदनशील मुद्दे हैं, उन पर कोई ऐसा बयान देता है जिससे देश की संवेदनाओं को चोट पहुंचती है, तो हम उसकी निंदा करते हैं। श्री सिद्धू जाने, हमको जो चाहिए था वो उन्होंने कह दिया कि मैंने सिद्धू के एडवाइजर के तौर पर ये बयान नहीं किया। और उनको फैसले लेने की किसी थी प्रेसिडेंट को छूट ना हो तो फिर किसको छूट हो? देखो आजादी किससे मांग रहे हैं सर? वो किसने 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 कहा? नहीं नहीं ऐसा नहीं, मैं समझता हूँ कोई ताकत वाली बात, किसी के वहाँ खाना खाने के लिए जुटना ताकत की बात तो है नहीं। पंजाब कांग्रेस को ही तकलीफ हो और देश में भी कांग्रेस को तकलीफ हो तो उस रूप में कोई काम नहीं करना। सब चीज़ें ठीक तरीके से चल रही हैं, थोड़ा सा होता है चुनाव जब नज़दीक होते हैं। अब सलाहकार ने जो मुझे जानकारी मिली है अपना बयान पूरी तरीके से उन्हें जिस वो कर दिया है उसमें उन्हें कह दिया ये मेरा निजी मामला है और मैं पहले से कुछ कहा है उन्होंने जो कुछ कहा है और मैं समझता हूँ उसकी लाइट में अब वो मामला वहीं समाप्त हो गया है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि कांग्रेस किसी भी ऐसे किसी व्यक्ति का भी बयान हो जो जम्मू कश्मीर को लेकर के या दूसरे जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, संवेदनशील मुद्दे हैं, उन पर कोई ऐसा बयान देता है जिससे देश की संवेदनाओं को चोट पहुंचती है तो हम उसकी निंदा करते हैं। वो एसोसिएट रहेंगे आपके प्रदेश अध्यक्ष के एडवाइजर के तौर? ये श्री सिद्धू जाने, हमको जो चाहिए था वो उन्होंने कह दिया कि मैंने सिद्धू के एडवाइजर के तौर पर ये बयान नहीं दिया। अभी नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उनको फैसले लेने की आजादी नहीं मिलेगी तो वो ईंट से ईंट बजा देंगे। वो पार्टी का ईंट से ईंट बजा देंगे, कैप्टन अमरिंदर सिंह का बजा देंगे, किसकी ईंट से ईंट बजा देंगे? मैं अपने पार्टी अध्यक्ष, वो हमारे पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष हैं, उनसे कोई मीडिया की रिपोर्ट या मीडिया के सवाल के आधार पर तो बात करूंगा नहीं, लेकिन लेकिन मैं जानकारी लूंगा किस संदर्भ में कहा है, क्योंकि ये क्या है पूरा प्रसंग देख करके बात करेंगे। और उनको फैसले लेने की किसी थी प्रेसिडेंट को छूट ना हो तो फिर किसको छूट होगी? देखो आजादी किससे मांग रहे हैं सर? वो नहीं, या तो उनको फैसले लेने की आजादी आप लोग नहीं दे रहे हैं। किसने 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 कहा? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, पार्टी प्रेसिडेंट को हमेशा जो है जो पार्टी की परंपराएं हैं उसके अनुसार जो है चीजें तय हैं और उसके अनुसार उनको छूट लेने की पूरी छूट है। देखिए सलाहकार ने जो कुछ कहा है वो हमको कतई कांग्रेस को एक्सेप्टेबल नहीं है, और क्योंकि क्योंकि उन्होंने ये कह दिया है कि इसका सलाहकार के रूप में मैंने ये बयान नहीं दिया है तो बात खत्म है। मनीष तिवारी ने और सबने कहा कि इन लोगों को हटाया जाना चाहिए, इनको इन लोगों को हटाया जाना चाहिए, तो क्या क्या उनकी बात बनी रहेगी? सोनिया जी से, वेणुगोपाल से या राहुल जी से किसी? मैं कल, आज तो मैं कुछ अपने निजी काम में व्यस्त हूँ, कल मिलूंगा और कल मिलेंगे और दोनों से। कितने बजे कल मुलाकात है सर? मैं अभी तय नहीं, नहीं। लेकिन मैं उनका जनरल सेक्रेटरी हूं, मैं उनके सामने जो भी चीजें हैं और वो सब मैं समझता हूँ कोई ताकत वाली बात, किसी के वहाँ खाना खाने के लिए जुटना ताकत की बात तो है नहीं, और उसको उसको किस किस तरीके से इस चीज को रखा जाता है ये पंजाब के नेताओं को खुद देखना है कि उनके उनके किसी एक्शन को बाहर गलत ना इंटरप्रेट किया जाए और जिससे कांग्रेस को
तकलीफ हो, पंजाब कांग्रेस को ही तकलीफ हो और देश में भी कांग्रेस को तकलीफ हो, तो उस रूप में कोई काम नहीं करना है। मैं ये कह लेकिन मैं किसी के घर बुलाने इसमें जो है कोई हरज नहीं। देहरादून में मिलने आए थे सिद्धू खेमे के बहुत सारे बच्चे, कल कैबिनेट की मीटिंग में भी तीन मंत्री नहीं आए, दूसरी तरफ देर शाम कैप्टन चार, तो ये डिवाइड तो साफ दिख रहा है। नहीं, चार मंत्री और तीन विधायक आए थे, उन्होंने जो बात अपनी बातें रखी हैं, जो सुझाव दिए हैं और जो उनके ग्रीवेंसेस हैं, मैं उनको अपने तरीके से रिएड्रेस करने की कोशिश कर रहा हूं, और जो बात कांग्रेस अध्यक्ष के सामने रखनी होगी वो मैं उनको रिपोर्ट करूंगा। और जब पंजाब में सब चीजें ठीक तरीके से चल रही हैं, थोड़ा सा होता है चुनाव जब नजदीक होते हैं तो थोड़ी थोड़ी हलचल होती है, लेकिन उस हलचल का अर्थ ये नहीं है कि सब कुछ सामान्य नहीं है। मैं आप लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमारे ऊपर बहुत दिलचस्पी रखते हैं, तो आपकी जो हमें रुचि है तो उसके लिए मैं आप सब मीडिया के लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। रावत साहब चेहरा कौन, चेहरे से बड़ा नूर झलक रहा है जी। सर किस क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह के भाई मेरा जाएगा पंजाब का सर, एक छोटा सा हरीश रावत पंजाब कांग्रेस का कैप्टन।